If a woman chooses the hijab, sar aankhon par, that's what she wants, she must be respected. If she does not choose it, then that's something that should not be forced upon her. This has been my belief from day one. Ke Islam khawateen ko apne huquq nahi deta, isiliye use hijab mein rakhta hai. Islam degrades the woman. Islam khawateen ke huquq nahi deta, isiliye use hijab mein rakhta hai aur uske upar zulm karta hai. Is jawab ke pehle hum ye samajh le ki tareekh mein हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सुलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे. अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें ये लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी. अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है, उनका तसव्वुर था जो गलत था. और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था. अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसके अंदर भी न्यूटिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वॉज वेरी कॉमन, नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था, खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे. अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है. अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाजल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गा दिया जाता. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाजिल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया, अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है. इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया. अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे. एक होता है कि कहना क्या करना और किस तरीके से उसको कायम रखना, वो भी बहुत जरूरी है. तो इस्लाम ने यह बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं, कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पर दोनों बराबर हैं. तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस औहदे को बरकरार रखे. और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में, अल्लाह सुबहाना व ताला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते फिर औरत के. अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो. उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्याल आते उसके दिल में आते हैं, इमीजिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो. एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, ये हराम है. तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है. उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो, उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो. दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना आप जब भी कोई मर्द को देखिए तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर
अपने बेटे अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए छह फरायद छह नुक्ते हैं, सिक्स पॉइंट्स हैं। नंबर वन एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नाक से लेके घुटने तक, और ख्वातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए, सिर्फ जो दिख सकता है वो है चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी पांच बातें ख्वातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। पांचवा पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा, कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये छह पॉइंट है हिजाब के, छह नुक्ते हैं, छह फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से अपने बीवियों से और मोमिना से मोमिन खवातीन से कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान ना करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से ना खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली में दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे दो जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, दो जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे, एक जुड़वा बहन पहने हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है, और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा यह सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जबर ज़िना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब यह मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे, कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है आपको उसके सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है आपके सजाए मौत गलत है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों?